इधर क्यों लाना है, इधर पब्लिक आ रही है, बार बार आई है, इधर हम क्यों कोलकाता जाना पड़ेगा। आपकी जो स्कूल हो दूसरा विकल्प है क्या? सुनो अखिलेश वहां नहीं ला सकते हो क्या? वहां नहीं ला सकते हो, वहां से आकर ये जहाँ तक है चेयर है सर, इसके बराबर वाला एरिया तो ग्रीन हो गया, इसके पंडाल के बाहर एकदम हमारा एकदम बात का सर। हमारा रियल डी है, रियल डी के पहले वाले हम लोग पैरापेटिंग लाए, पैरापेटिंग के बाहर वो लोग चेक करने के बाद संभाल करते हैं। चलो यार अब जो है सो है, उस दिन बारिश तो हो सर, उस दिन बारिश तो हो यार, ऐसे बारिश नहीं पीछे। मैं प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, चीफ प्रैक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। जी किस तरह की तैयारी चल रही है, आज कौन कौन लोग आए हैं? अभी यहाँ कैंपस में हमारे पुलिस कमिश्नर साहब जैन साहब और उसके साथ जो है डीएम सर आए थे और उसके साथ में सभी डीसीपी वगैरह आए थे और पूरी तरह से विश्वविद्यालय की जो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को 24 तारीख को यहाँ आना है तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं प्रायः संपन्न हो रही हैं और जहाँ से उनका एंट्री होना है सामान्य जन का और वीआईपी का जो जहाँ से प्रवेश होना है आज पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया है तो और उन लोगों को पास जारी होगा और इसके बाद जो है कहाँ से कैसे आएंगे। क्या तैयारी में कोई कमियां दिखी या सारा? नहीं बढ़िया व्यवस्थित है और चूँकि हम लोग भी पूरा सहयोग प्रथम दिन से ही वो बुलाए डीएम साहब हम लोगों को और हम लोग भी पूर्ण सहयोग कर रहे हैं कि हमारे कैंपस में चूँकि हमारे अतिथि हैं तो अतिथि देव भव की जो परंपरा हमारे शास्त्रों में है तो हम लोग तो यही पढ़ते पढ़ाते हैं तो इसीलिए हम लोग पूरी हमारा परिवार माननीय मोदी जी की आगमन के लिए उनकी अगवानी के लिए तो तैयार है। का द्वार एक नहीं एक दक्षिण द्वार रहेगा आने जाने का और यदि संभव हुआ तो ये पूर्वी द्वार से जो है हम लोग वीआईपी लोगों को भी प्रवेश कराएंगे।
इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।